और गौशाला पशुओं को खिलाए 30 रुपया में गाय भैंस खियावल जाता। गाय आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता, आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता। यहाँ हमने जितना लोग बाई भाई 30 रुपया में कोई खा पाई का? कोई 30 रुपया में खा पाई? अरे 30 रुपया में गाय के खियावे का देखबान माल पूरे बजट में 30 रुपया। माननीय वित्त मंत्री जी जरा देखवा लीजिए, 100 गाय जाके तो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, उधरिया बहुत गौशाला खुलल, फोटो मंगवा लीजिए या डीएम से मतलब चेक करा लीजिएगा। हालत वो हो गई है गौशालाओं की कि जो गाय स्वस्थ गई गौशाला में इस समय डुगुर डुगुर कर रही है ऐसे डुगुर डुगुर कर रही है कि जैसे लग रहा कल मर जाए कि आज मर जाए। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। अगर किसी को भोजन दो तो पेट भर दो, 30 रुपया काहे की है भाई, कम से कम तो माननीय सदस्य प्लीज समराइज कर लीजिए, 15 मिनट हो गए हैं प्लीज। अरे माननीय माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी क्षमा करिएगा, हम पूर्वांचल से आईला, हमारे भाषा में डुगुर डुगुर का मतलब हिला था। आपके ही साथी बहुत लोग बोलना चाहते हैं। अरे हम कहाँ, आप समय राइज कर लीजिए माननीय सदस्य के पीछे वाले। आप उस कुर्सी पर होते मना कर देते तो मैं बैठ गया होता भैया, आप उस कुर्सी पर होते मना कर देते तो मैं बैठ गया होता। माननीय सदस्य कहता महोदय ने एक बार भी नहीं कहा, मैंने 3 बार बोल चुकी हूँ सर, आपको समराइज कर लीजिए, 3 बार सर मैंने बोल दिया, आप समराइज कर लीजिए। आपका आदेश तो प्रकाश राजभर प्लीज समराइज कर लीजिए जल्दी से। मंत्री जी नहीं समझ पाए, डुगुर डुगुर का मतलब होगा हिल रही है, कमजोर हो गई है, खाने बगैर मर रही है, ये डुगुर डुगुर का मतलब है। महोदय आपने इशारा किया कि समय नहीं है, ये पूरा बजट समय पूरा हो गया, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के लिए, ये तो मैं देख रहा हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें खाली डुगुर डुगुर हिल रहा है, कुछ नहीं है। हम अपनी बारी को ही विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन अभी चूंकि डुगुर डुगुर की बात आई तो मुझे लगा यहीं से शुरुआत करती हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी को बाद में बधाई दूंगी। यस यस, ये डुगुर डुगुर शब्द कहीं धुकुर धुकुर से आता है और ये बात एकदम सही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पुरानी भ्रष्ट जर्जर चीजें थी आज वो डुगुर डुगुर कर रही हैं, हिलेला और हिल रही हैं। हर भाषा में मैं बता रही जो मानिए आपने कहा। मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं विद्वान वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी को, जिन्होंने पिछले कार्यकाल के बजट की तरह ही इस बार एक लोक कल्याणकारी बजट को सम्मानित सदन में पेश किया है।